राष्ट्रीय सेवा योजना गणेश दत्त महाविद्यालय के स्वयं सेवकों के द्वारा भाई बहन के प्रेम का पवित्र उत्सव बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस के जवानों और अधिकारियों को राखी बांध कर मनाया गया। स्वयं सभी छात्राओं में खुशबू कुमारी, आर्या, नूतन, आरिबा, सुगंधा, आशिया, अंजलि, अकृति, स्वीतल, मुस्कान, स्विधि आदि शामिल थी। जिनके द्वारा जवानों की आरती उतारी गई, उन्हें तिलक लाकर कलाई पर राखी बांध कर उन्हें दीर्घायु उम्र की कामना की। सभी छात्राएं खुद को सौभाग्यशाली और प्रफुल्लित महसूस कर रही थी। इस अवसर पर छात्रा आफरीन ने कहा कि मेरा कोई भाई नहीं और जीवन में सर्वप्रथम जवानों को भाई मानते हुए रक्षा सूत्र बांधा, यह मेरे लिए खास पल है जिसे मैं कभी नहीं भूल सकती। अब मैं हर वर्ष रक्षाबंधन मनाऊंगी। वहीं छात्राओं से रक्षा सूत्र बंधवा कर जवान भी अभिभूत नजर आए। इस अवसर पर जवानों ने कहा कि अपने परिवार से दूर रहकर अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। जवानों को जब रक्षा सूत्र बांधा जा रहा था तो कई जवानों की आंखों में खुशी के आंसू प्रेम बहने लगे। जवान कन्हैया कुमार ने कहा कि आज 17 वर्षों के बाद मेरी कलाई पर राखी बांधी जा रही है और उनकी आंखों से खुशी के आंसू बह रहे थे। उन्होंने सभी छात्रों बहनों के उज्जवल भविष्य की कामना की, उन्हें बधाई दी है। वहीं कमांडेंट मनोज कुमार तिवारी ने कहा कि भाई बहनों का प्रेम और पर्व NSA स्वयं सेवक हमारे साथ मना रहे हैं, यह हम सभी जवानों के लिए सौभाग्य की बात है। क्योंकि कर्तव्यों का पालन करते हुए जवान अपने परिवार के साथ त्योहारों में शामिल नहीं हो पाते हैं, तो छात्राओं के द्वारा इन जवानों को राखी बांधकर बहन का पार दिया गया, जो कि प्रशंसनीय कार्य है। NSS कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सहर अफरोज ने कहा कि रक्षा सूत्र कार्यक्रम का उद्देश्य ऐसे ही जवानों को राखी बांधना था जो हमारी रक्षा में अपनी बहन के प्रेम से मखदूम हो जाते हैं। ऐसे जवानों को ही राखी बांधकर उन्हें बहन का प्रेम देना है, उनके परिवार के होने का एहसास कराना था। वहीं कार्यक्रम का नेतृत्व विवेक कुमार, बशर आलम फारूक कर रहे थे। कार्यक्रम का संयोजन पीयूष कुमार, तोहिद और इशरत आलम ने किया। सोनू एवं अंकित कुमार सहयोगी के रूप में मौजूद थे। BNP न्यूज के लिए शिवम कुमार की रिपोर्ट। भाई बहनों का सबसे पवित्र त्यौहार है और हम लोग सभी भाई का एक दायित्व बनता है कि बहनों की रक्षा करें। जो भी समाज में घटनाएं घटती है उस पर हम लोग बारीकी से देखें और उसके लिए बहन के लिए तत्पर रहें। दूसरी बात हम ये कहना चाहते हैं कि आज हमारा पूरा विश्व जो है वैश्विक महामारी कोरोना से गुजर रही है, इसमें हम एक संदेश ये देना चाहते हैं कि इस पर जिस प्रकार हम लोग अपने भाई के बहन की रक्षा के लिए रक्षाबंधन का इसलिए हम लोग पैर में राखी बंधवाएँ, इससे क्या होता है कि हम लोग जो ऑक्सीजन की कमी से जितने भी लोगों की मृत्यु हुई है, हम चाहते हैं कि सब लोग उसी तरह से जैसे एक पेड़ लगाएं और उस पेड़ लगाने से ज़्यादा अहमियत है उस पेड़ की रक्षा करें, उस पेड़ को देखभाल करें, और ताकि आने वाले समय में जो ये घटनाएं होती ऑक्सीजन की कमी के कारण लाखों लोगों को अपना जान गंवाना पड़ा है वो दोबारा ना हो, ताकि हम लोग हरियाली पे ध्यान दें। जिस प्रकार एक रक्षाबंधन सभी लोग अपने पेड़ पे और एक संकल्प लें कि हम लोग पेड़ आज से बचाएंगे और लगाएंगे और बचाएंगे। थैंक यू।